محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخيرا وناصرا وذليلا وهينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أعظم الله عنهم الرضا وطه لهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللهم صل على محمد. मोहतरम अरबाब दानिश खुदा वल्दे आलम सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाते हैं इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास यानी के बेशक अल्लाह ने पहला घर बनाया इंसानों के लिए लल्लवी में बक्कता मुबारकन आलमीन तो बहुत ही बरकत या पक्का घर है जो आलमीन के लिए मरकज हिदायत है। आलम कहते हैं एक दुनिया या एक जहान या एक वर्ल्ड और आलमीन माने सारी दुनिया या सारे जहान या सारे वर्ल्ड ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह आलमीन का रब है। रसूल रहमतुल आलमीन रसूल आलमीन के लिए रहमत है उसी तरह काबा खुदल्लिल आलमीन काबा आलमीन के लिए मरकज हिदायत आवाज़ बुलंद सलावात ये घर कैसे हिदायत करेगा ये तो मिट्टी का मेरे को घर है ये तो पत्थर का मेरे को घर है ये तो ईंटों का मेरे को घर है ये कैसे हिदायत करेगा ये मिट्टी ईंटों का बना हुआ मिट्टी ईंटों पत्थर का मेरा वो घर ये कैसे हिदायत करेगा ना तो ये बोल सकता है ना तो बता सकता है अरे क्या बात है सुन सकता है ये कैसे हिदायत करेगा तो अल्लाह इसी आयत में इरशाद फरमाता है कि फी आयातुन बय्यिनात इसके अंदर जाहिर साफ निशानियां हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम इस निशानी कैसे हिदायत करती है इसके लिए हम छोटी सी एक मिसाल लेंगे। जैसे हम गाड़ी में रोड पर आए हमने क्या देखा एक सिग्नल लगा हुआ
तीन लाइट जलती है, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन। यदि येलो लाइट जलती है तो सारी गर्मियाँ रुक जाती इंतजार करती है, और यदि रेड लाइट जलती है तो सारी गर्मियाँ रुक जाती है, और यदि ग्रीन लाइट जलती है तो सारी गर्मियाँ चल जाती है। तो हमने क्या देखा, ना तो किसी ने बोला, ना तो कोई हरकत, ना तो चला, लेकिन उसने अपने इशारों से समझा दिया कि कब रुकना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है। इंतजार काबा भी हिदायत करता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। पहली जाननी इसी आयत के अंदर है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन वहुदन लिल्आलमीन। आज हम पहली निगरानी की तरफ चलते हैं। काबा शुरू से ही मक्के में था और आज भी मक्के में है और कयामत तक मक्के में रहेगा, ना तो खत्म होगा, ना तो चेंज होगा, ना तो इसके बदले कोई और काबा आएगा, ये हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये नहीं किया कि अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि फी मक्का, ये मक्के के अंदर है, बल्कि कहा बे बक्का, मेरा घर बक्का है। फिर कानून ने फैसला था इंसान का, जो चीज इंसान को पसंद होती है इंसान उसी के नाम पर अपने घर का नाम रखता है। जैसे मोहम्मद मुस्तफा पसंद, जैसे मुस्तफा हाउस, जैसे अली से पहले अली हाउस, जैसे हुसैन से मोहब्बत हुसैन हाउस, जैसे अब्बास से प्यार अब्बास हाउस। इसी तरह अल्लाह को रोना इतना पसंद है कि उसने आपके अपने घर का नाम इसी पर लग दिया कि मेरा घर है बक्का। बक्का क्या है? आए हमारे माँ मासूमी में पूछते हैं, क्या इमाम मासूमीन ये मक्का क्या है? हमारे छठे इमाम इमाम सादिक फरमाते हैं कि मक्का ऐसी जगह, ऐसी भीड़ जहाँ के लोग रोए आंसू बहाए आओ बुका करे आओ हुज़ानी करे। रोना कानून फितरत है, रोना हयात की निशानी है। तो कैसे पता चलता है कि बच्चा जिंदा है या मुर्दा? जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आया, जैसे रोया, पता चला जिंदगी आ गई। अब बच्चे दुनिया में आया ना रोया तो पता चला मौत ही मौत यकीनन आ गई। तो इससे क्या पता चला कि रोना हयात की निशानी है, रोना दुनिया की निशानी है। ऐसे ही अल्लाह को रोना इतना पसंद है उसने अपने घर का नाम इसी पर रख दिया कि मेरा घर बक्का है। हमारा शुक्र कि अल्लाह ने हमें रोने वाली कौम में दफना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारे रोने वाले आंसुओं में
मदी मस्ती को छोड़ दिया। जैसे ही आवाज आई यह होते मेरी माँ आंसू बहने लगे। जैसे यह आवाज आई अस्सलामु अलैल हुसैन वादे रोना शुरू। लेकिन मेरे नाना जान डॉक्टर वर नईम बख्शी फरमाते हैं कि फितरत मौलूद है शेख की अदा, फितरत मौलूद है शेख की अदा, इसलिए आता है ये रोता हुआ। हमारा सलाम उन बीवियों पर कि जिनको रोटी नहीं दिया गया। हमारा सलाम उस नन्ही सगीना पर जब वो अपने बाबा को याद करके रोती थी तब शिमर आके तमाचे मारता था। हमारा सलाम हो उस बीवी जैनब पर जब वो रोती थी शिमर आके उनकी पीठ पर तालियां से मारता था। लेकिन हमारा सलाम हो उसे मां पर जो उसे पर रोते नहीं बल्कि खून के आंसू रोते हैं। जो ज्यादातर नाइयों में फरमाते हैं ऐ मेरे जद्दे मज़लूम हुसैन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं खून के आंसू रोऊंगा। लेकिन पूछने वाले ने पूछा मौला आपको कौन सा कर्बला का मंजर खून के आंसू रोलाते है। तब वो मंजर जब मैंने अली अकबर के सीने पर बंदी लगी और वो जब घोड़े में नीचे गिरे तो उनके लाश के टुकड़े हो गए। आपको वो मंजर खून के आंसू रोलाता है। मौला रोके हुए फरमाते है काश अली अकबर जिंदा होते तो वो भी खून जादू रोते। तो पूछने वाले ने दोबारा से पूछा मौला अब उठा वो मंजर आते याद आते जब खातिम खातिम जब जमीन से घोड़े से जमीन पर गिरे और उनके लाश के टुकड़े हो गए और जब होते ने उनके लाश के गठरी भी बना के घर में मिलाए क्या को वो मंजर खून का आंसू रोलाता है। तो मौला फरमाते कि काश के खातिम जिंदा होते तो वो भी खून का आंसू होते। और उसने वाली ने पूछा कि मौला आपको वो मंजर खून का आंसू रोलाता है जबकि अब्बास के बाजू गड्ढे दरिया फरात पर और उसे पूछने आए थे क्या आपको वो मतलब खून का आंसू रोलाते है। मौला रोके हुए फरमाते कि हाँ अगर अब्बास जिंदा होते तो वो भी खून का आंसू रोते। तो पूछने वाले ने पूछा मौला क्या आपको वो मतलब खून का आंसू रोलाते है। उसे हुसैन की मजलूमियत हुसैन की गुर्बत जबकि हुसैन दीन से जमीन पर आए ना तो दीन पर थे ना तो जमीन पर बल्कि सीरों पर थे। जब उन्होंने आपकी सजदा का करा और अल्लाह ने कहा कि या अल्लाह मेरी आखिरी कुर्बानी को कबूल फरमा और जब शिमर आया उसने तेरा रंगों से मेरे मौला की गर्दन काटी तब वो मोहम्मद खून का आंसू रोलाता है। मौला रोक हुए वो फरमाते कहा कि होते हैं निंदे होते हैं अरे मेरी फूफियों की चादर है मेरी फूफियों का पर्दा। हमारा सलाम हो उन बीवियों पर जब वो सलमान आई थी तो सबा की फजर की अजान हुई थी। जब रात को ईशा की अजान हुई तब तक दी ने ये ना पूछा कि ऐ अली की बेटो बैठ जाओ ऐ अली की बेटो पानी पियो ऐ
बाजार में गुजरती थी तो लोग पत्थर मार देते थे, पर हमारी बीवियां जख्मी हो जाती थी और कहती थी हाय बाबा आए नाना जान आए भाई अब्बास, अगर काश अब्बास ना मारे जाते फिर हम ना हमारे हमारे कम पत्थर मारे ना जाते, ना हुसैन की गर्दन कटती, ना हमारे पैर से ये चादरें उठती।